सावरकर जी ने हाथ जोड़े कहा, हां जी मैं हाजिर हूं, जो भी आप मुझसे चाहते हो मैं करूंगा। रोज खोटं बोलायचं, रोज चुकीचं सांगायचं आणि निर्लज्जपणे वागायचं। अब देखिए बीजेपी के चिन्ह को देखिए, आरएसएस के चिन्ह को देखिए। सावरकर जी दो तीन साल उनको अंडमान में बंद कर दिया, उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। सावरकर जी में और भगवान बिरसा मुंडा जी में फर्क देखिए। 24 साल में ये शहीद हो गए, आदिवासियों के लिए, सिर्फ आदिवासियों के लिए, हिंदुस्तान के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। और दूसरी तरफ सावरकर जी जिनके वीर कहते हैं, वीर सावरकर, कोई मुझे बता रहा था कि उन्होंने अपने बारे में एक किताब लिखी, लोगों को बताया नहीं कि उन्होंने लिखी है, एक किताब लिखी दूसरे नाम से लिखी, कि सावरकर कितने वीर हैं। और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, कांग्रेस के खिलाफ अंग्रेजों के साथ काम करते थे, और दो तीन साल, पांच साल में जेल के बाद सच्चे सावरकर जी पूरे देश को दिखे। चिट्ठियां लिखी और अंग्रेजों ने कहा आ जाओ हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे साथ काम करो, सावरकर जी ने हाथ जोड़े कहा हां जी मैं हाजिर हूं, जो भी आप मुझसे चाहते हो मैं करूंगा। स्वातंत्र्य वीर सावरकर हे एकमेव असे या देशाचे नेते आहेत किंवा स्वातंत्र्य संग्राम सेनानी आहेत ज्यांनी स्वातंत्र्यापूर्वीही कारावास भोगला, स्वातंत्र्यानंतर उपहासाचा कारावास भोगला आणि आजही ज्यांच्या विचारांना कारावासामध्ये टाकण्याचा प्रयत्न सातत्याने काँग्रेसच्या वतीनं होतो। रोज खोटं बोलायचं, रोज चुकीचं सांगायचं आणि निर्लज्जपणे वागायचं, हे जे काही काँग्रेस आणि काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी करतायत महाराष्ट्रातली जनताच त्यांना उत्तर देईल हे या निमित्ताने मी सांगतो। आणि म्हणून मला असं वाटतं की हे जे काही स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल बोलतात कोणीतरी लिहून देतो त्या राहुल गांधींना स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा स माहित नाही, लिहिलेलं वास तीन चार साल वर आहे, अरे या वेड्यांना एवढंही माहित नाही किती वर्ष ते होते कसे ते होते। त्यामुळे मला असं वाटतं की खऱ्या अर्थानं यांना उत्तर दिलंच पाहिजे आणि योग्य प्रकारे उत्तर दिलं पाहिजे आणि ते उत्तर आपण देऊ हा विश्वास मी तुम्हाला।